राम राम दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि नेक्सोन का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो हाइप बना हुआ है क्या ये सही है या नहीं है, इसमें क्या क्या आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो जो मेजर चेंजेस हैं उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं कॉस्मिक कार। सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। एक्सटीरियर में फ्रंट पार्ट देखते हैं। फ्रंट पार्ट में जो DRL का स्टाइल है उसको चेंज किया गया है। हेडलाइट का प्लेसमेंट थोड़ा नीचे कर दिया गया है, पर हाँ, हेडलाइट का प्लेसमेंट नीचे होने के बावजूद जो फोग लैंप है उसको हटाया नहीं गया है, जैसे कि मारुति और टोयोटा की गाड़ी में या फिर Hyundai में हटा दिया जा रहा है जो फोग लैंप है उसको। अब सारे लाइट LED हो गए हैं, साथ में 360 कैमरा भी मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। अब रियर में देखते हैं तो रियर का जो लाइट है वो कनेक्टिंग लाइट है, जो अभी ट्रेंड में चला हुआ है। अभी जो एलॉय मिलता है वो भी ज़्यादा स्टाइलिश मिलता है, इसको भी अपग्रेड किया गया है। पहले वाला जो एक स्पोक्स टाइप का मिलता था उससे ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये। अब इंटीरियर में आ जाते हैं तो इंटीरियर में सबसे पहले हम लोग स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे। तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, उसमें 2 स्पोक्स वाला स्टीयरिंग व्हील आता है, जिसके लेफ्ट साइड इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है और राइट साइड में आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल। सेंट्रल में जो लोगो है टाटा का वो इल्यूमिनेटेड है, मतलब कि वो क्रोम का बना हुआ नहीं है, वो एम्बियंट लाइट की तरफ ग्लो करेगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं, तो ये पूरा डिजिटल हो गया है और इसमें आप नेविगेशन भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पहले नेविगेशन लगा करके हम लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देखना पड़ता था, अब डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे बात करिए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ही देख लेते हैं। तो ये हरमन पार्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 10.25 इंच का है। स्पीकर्स में मेजर अपग्रेड किया गया, इसमें अब 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से 4 ट्विटर होंगे, 4 स्पीकर होंगे और 1 सबवूफर भी मिलेगा आपको, जो गाड़ी के साथ ही मिलेगा। सीट में मेजर अपग्रेड किया गया है, अब सारे के सारे सीट वेंटिलेटेड मिलेंगे, डुअल टोन में मिलेगा और पूरा लेदरेट सीट है। और साथ ही साथ जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी पूरा लेदरेट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के दिल का, मतलब कि इंजन का। तो इंजन वही रहने वाला है 1.2 लीटर का, पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल होगा। इसमें 3 टाइप का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। जो पहला टाइप है वो DCA टाइप है, इसमें 7 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा। जो दूसरा टाइप है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसमें 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा। जो तीसरा टाइप है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें आपको मोनो स्टेबल शिफ्टर मिलेगा गियर शिफ्ट करने के लिए। साथ ही जो मोड चेंज करने वाला है इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और सिटी मोड के लिए, वो जो पुराना वाला था रोटेशन वाला, वही सेम टू सेम आपको मिलेगा। जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा लगा आपको वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।